गाइस वेलकम टू द चैनल। क्या हाल चाल सब लोगों के। आज है संडे और जा रहा हूँ मेरे मामा के यहाँ। और भाई साहब बारिश बहुत भयंकर हो रही है। मैंने इतनी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं थी, घर से निकला जब थी पर इतनी इधर इतनी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करी थी। तो मेरे मामा का जो घर पड़ता है वो पड़ता है जींद डिस्ट्रिक्ट में, और अभी यहाँ से बहुत दूर जाना है, ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर के आसपास है। तो चलो दिखाते हैं रास्ते के हाल कुछ ऐसे हैं अभी। ये देख लो भाई तुम, पानी कैसे भर रहा है इधर। थोड़ा फोकस का इशू आ रहा होगा कि बारिश ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से ब्लर हो जा रहा है बार बार। तो चलो देखते हैं क्या चलता है आगे। हाँ भाई, तो अभी तो हाईवे पे चढ़ गए हैं, ट्रैफिक से निकल गए और बारिश इतनी भयंकर हो रही है, बाहर तो दिखेगा ही नहीं, फोकस ही नहीं लेगा ना, बाहर दिखेगा ही नहीं क्योंकि। अभी मैं हूँ भादुगढ़ बाईपास पे और ये रास्ता जाता है पहले रोहतक की तरफ, रोहतक से जाएगा जींद। बारिश इतनी भयंकर हो रही है, वाइपर फुल स्पीड पे चल रहे हैं, कभी नहीं कंपेयर कर पा रहा। बारिश नहीं हो रही थी यार, बाहर दिखाता कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। जस्ट चंद किलोमीटर वहाँ से बाहर निकलते कितना हरा भरा सा एरिया हो जाता है ना, इतना बढ़िया एरिया हो जाता है। मैं ज़रूर दिखाता अगर बारिश इतनी भयंकर ना हो रही होती तो। सीन अभी कुछ ऐसा है कि आज संडे राइड का प्लान तो था पर बारिश जो है वो रात लगभग 2:30-3 बजे के आसपास से बारिश लगातार हो रही है रात से, तो संडे राइड तो भाई नहीं हो पाई। प्लान था, एसी भी आ रहा था और हमारे एक और सिटी वाले भैया हैं वो भी आ रहे थे, तो हाँ हम 4-5 बंदे थे पर बारिश ने सारा प्लान ख़राब कर दिया। कोई नहीं भाई, अभी आपको मैं यहाँ के नज़ारे दिखाऊंगा आगे के। अभी तो खैर काफ़ी वो है, बारिश हो रही है, जैसे ही बारिश थोड़ा बहुत निकलेंगे थोड़ा सा ठीक होगा मौसम, अभी आपको रोड दिखाना चालू करूँगा मैं। हाँ तो भाई लोग, ये है रोहतक बाईपास, रोहतक का नॉर्दर्न बाईपास, एक उस साइड से भी जाता है ठीक है। तो ये नॉर्दर्न बाईपास है और रोहतक पहुँचते पहुँचते भाई ऑलमोस्ट बारिश गोन हो चुकी है। यहाँ पे लग रहा है सुबह आई होगी, अभी तो बंद हो चुकी है यहाँ पे, थोड़ी बहुत एक एक दो तो बूंदे गिर रही है मुश्किल से। अभी तुम इंजॉय करो, रास्ता दिखाता हूँ कितना ब्यूटीफुल रास्ता है यार। मतलब मुझे हरियाणा के रोड्स इतने अच्छे लगते हैं ना, कोई बड़े पहाड़ जैसा कुछ नहीं, सिंपल सीधे प्लेन रोड्स, कर्व्स आ रहे हैं रोड में, सीधे सीधे हाईवे चल रहे हैं मस्त एकदम, 2-लेन हाईवे। मुझे किसी भी पहाड़ी के मुकाबले हरियाणा में जाने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि रोड के साथ इतने बड़े बड़े पेड़ चल रहे होते हैं, साथ में बढ़िया खुला रोड चल रहा था, ना ज़्यादा हैवी ट्रैफिक कुछ नहीं मिलता, एकदम मस्त मज़ा आता है हरियाणा में मुझे हमेशा गाड़ी लेके आने में। तो रोड देखो, गाड़ी आती है दूर चली जाती है, मतलब ये नहीं गाड़ियाँ कम चलती, गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा चलती हैं पर क्वान्टिटी में किसी बाकी हाईवेज के मुकाबले गाड़ियाँ बहुत कम चलती हैं यहाँ पे, क्योंकि हरियाणा में कोई ऐसी फेमस टूरिस्ट प्लेस ज़्यादा बड़ा टूरिस्ट स्पॉट नहीं है इस तरफ, कुरुक्षेत्र की तरफ और बाकी चंडीगढ़ साइड तो दुनिया जाती है, वो तो रोड खचाखच भरा रहता है हमेशा, बट ये जो पर्टिकुलर रोड है इस तरफ कुछ भी ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट गाड़ियाँ आती नहीं है, तो यही है इसलिए रोड काफ़ी खाली रहते हैं। अब तुम ये देखो यार कितना बढ़िया व्यू है इधर का, इसलिए मेरे को इधर आने में बहुत मजा आता है, इधर का भी ऐसे ही है। तो तुम लोग रोड एंजॉय करो, मैं मिलता हूं आगे। कैसा लगा बीच का बता देना, बारिश कैसी थी ये भी बता देना, अगर किसी को अच्छी लगी हो कमेंट कर देना भाई, और देखो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। देखो मैं थोड़ी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत प्यार तुम भी लोग दिखा दो यार,
सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अगर किसी और को दिखाना चाहते हो ये सब चीजें, क्योंकि मैं काफी ऐसी चीजें दिखाता हूँ जो नॉर्मली देखने को नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है। तो अभी मैं मेरी मौसी के घर से निकल गया हूँ, और भाई देखो जब मैं आ रहा था जब वहां से यहाँ तक मेरी मौसी के घर तक, यहाँ तक तो बारिश थी, इससे आगे बारिश का नाम भी नहीं है। मतलब जितनी भयंकर बारिश शुरू सुबह हो रही थी ना यहाँ पर, उस बारिश का 1% भी नहीं कह सकते बारिश। भाई साहब मैं कहूँगा मुझे लग रहा है सुबह से बारिश हुई भी नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। हुई होगी तो या तो भाई वो थोड़ी बहुत 5-10 मिनट की बारिश थोड़ी बहुत होती है वो होके रह गई होगी। बाकी अब रोड बहुत अच्छा हो गया है, एक नंबर का हाईवे आ गया है। मतलब ये हाईवे अभी बन रहा है सॉर्ट ऑफ, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा कॉर्नर से है। बाकी काफी वाइड है, काफी अच्छा रोड है, और भाई देख लो अब ऐसे गांव मिलेंगे तुम्हें, ये दिखेगा नहीं क्योंकि हम हाईवे ज्यादा ऊपर हैं, पर मौसम अभी भी एक नंबर है, बारिश हो नहीं रही है, मौसम बाहर बहुत ठंडा है। होप मामा के घर पहुंचते पहुंचते बारिश हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो तुम देख सकते हो कैसे एकदम वाइट बड़े बड़े दूर दूर तक सिर्फ पेड़ और खेत दिख रहे हैं। तो ऐसा है हमारा एक्चुअल हरियाणा। अभी हम ऑलमोस्ट हरियाणा के सेंटर की तरफ जा रहे हैं काफी हद तक कह सकते हैं आप लोग। तो भाई देख लो इतने मस्त एकदम रोड बन चुके हैं, पता भी नहीं चल रहा है, एकदम खट्टे नाम की चीज तो है ही नहीं। देखो अब इंडिया में रोड इतना बिल्कुल प्लेन तो है नहीं फॉरेन के जैसे, थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन है पर काफी ठीक है, रोड कंप्लेन नहीं कर सकते, एकदम स्मूथ है, किसी तरह की आवाज नहीं आ रही, कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया है। तो इसी के साथ आगे के रास्ते कुछ ग्लिम्प्स दिखाता हूँ, फिर देखते हैं मामा के घर तक क्या रहेगा। या तो मामा के घर ये वाला वीडियो एंड करूँगा घर पहुंचने से पहले, या तो भैया क्या पता कल वापसी के टाइम पे वीडियो एंड कर दूं मैं, तो देखता हूँ आगे क्या रहेगा वीडियो की मेरी। मैं बाकी सब वीडियो एनालाइज कर लूंगा कि लेंथ कितनी जा रही है उसके बाद, ठीक है। चलो आगे का रोड दिखाता हूँ तुम्हें, ये इंजॉय करो जब तक, एक बढ़िया सा गाना डाल दूंगा मैं यहाँ पे भी, फिर मिलते हैं। अपडेट, मैं अभी मामा के लड़के के साथ आया हूँ खेतों में, और अभी थोड़ी शाम हो गई है, काफ़ी देर पहले मैं पहुँच गया था, और अभी देखो जरा यार क्या मस्त जगह है। तो ये इनके खुद के नहीं है, यहाँ पे इन्होंने ले रखे हैं, जैसे दूसरों के लिए ले लेते हैं ना एक तरह से रेंट वगैरह पे खेती करने के लिए, तो वो एरिया है। तो यार इतना मतलब खुला आसमान, तो देखो आसमान कितना खुला है, इनफैक्ट चांद कितना साफ दिख रहा है, ठीक है। तो ये हम बिल्कुल सिटी से तो हम बहुत ज़्यादा दूर हैं, सिटी से मतलब यहाँ सबसे नियरेस्ट सिटी है जींद, वो लगती है ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर के पड़ती, 10-12 किलोमीटर यहाँ से दूर, ठीक है। तो इतना मस्त मौसम, एकदम मस्त ज़्यादा फ्रेश एयर, ठंडी हवा, इतना शांत फील होता है ना मेरे को मामा के आके। पर यार अभी थोड़ा सा है, अभी काफ़ी बड़े हुए हैं, बच्चे नहीं रहे, तो इसलिए मामा के आने में ऑकवर्ड फील होता है, इसीलिए तुम देख सकते हो कितना एकदम हरा भरा माहौल है यहाँ पे। तो यहाँ पे पोल्ट्री फार्म्स भी होते हैं, वो तो शायद पोल्ट्री फार्म नहीं है, पर पीछे जब मैं आया रास्ते में तो वहाँ पोल्ट्री फार्म थे, तो यहाँ पे पोल्ट्री फार्म होते हैं, इसमें चिकन्स वगैरह की, एग्स वगैरह के लिए पोल्ट्री होते हैं, चिकन्स को बड़ा करते हैं, या फिर मतलब ऐसे ही एनिमल फार्म जिसको बोलते हैं, तो वो भी होते हैं यहाँ पे, तो वही है। सो चलो इस वीडियो को मैं यहाँ पे करता हूँ एंड, मे बी अगर यहाँ तक भी वीडियो रखी तो दिस विल द वीडियो द एंड।
तो चलो भाई लोग, मैं देखता हूँ अगर मैंने कल कंटिन्यू किया तो मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो ये वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो करना लाइक और शेयर करना भाई, अगर तुम दूसरों को दिखाना चाहते हो कि एक्चुअल में हरियाणा कितना अच्छा दिखता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।